राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी गाड़ी मूव कर रही है रामनगर के लिए। दस बजकर 55 मिनट और अभी रुके हैं भोजन के लिए। ढाई बजे पहुंच गया था, अभी हो गया है 4:30। शहर को छोड़ के अब अपने गांव के मार्ग की ओर। ये बच्चों को ले लो, यहाँ है कोई पहुंच गए हैं देवभूमि उत्तराखंड और अब अपने गांव की ओर बढ़ रहा हूं। पहुंच गए हैं गांव में और यहां पे नहीं रहने की सजा, अनचाहे पेड़ पौधे पूरे में है। अब धीरे 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 इन्हें महत्व के इन्हें हटाया जाएगा। पौधे बड़े हो रहे हैं और इसमें जंगली पौधे ज़्यादा हो गए हैं। अब ये भी एक काम बढ़ गया है। यहाँ भी हरा भरा हो गया है और यहाँ भी अनचाहे पौधों की बरसात हो चुकी है। जितना आराम किया था वो सब निकलने वाला है। पानी भरना है, सफाई करनी है। भाई को भी आने दो फिर। वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं। ये जो हमारे बहुत डेंजर है। अभी से मुंह धोया है, कुछ भी नहीं किया है और जा रहा हूँ, क्योंकि ये कार्य जो है विशेष कार्य है और हमारे ग्राम के लिए अति आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या है क्या नहीं है भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधा बात करेंगे अपने चाचा जी से। चाचा जी, किस उद्देश्य से आज हम आगे जब बढ़ रहे हैं? ये हमने एक प्रस्ताव बनाया है माननीय विधायक श्री महेश जीना जी के लिए से। ये एक्चुअली में गांव में जो हमारी रोड है, ये आप रोड देख रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, रोड दिखाइए। पहले भी मिले थे हम। हाँ जी, ये आप रोड दिखाइए। ये रोड है, ये रोड हमारी 800 मीटर का डामरीकरण रह गया था किसी कारण। जी जी जी। तो वो डामरीकरण कम से कम ये 7-8 साल से ज्यादा हो गए हैं, डामरीकरण नहीं हो पाया। इस विषय में हम प्रस्ताव देने के लिए विधायक जीना जी से मिलने जा रहे हैं। जी जी। तो हम चाह रहे हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, गांव में थोड़ा सा साफ सफाई रहे, अच्छा ही रहे, सहूलियत बढ़ जाएगी, सहूलियत बढ़ जाएगी, कन्वेंस हो जाएगा, रोड पे ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। तो इस कारण हम सभी ग्रामवासी विधायक जी से प्रस्ताव देने जा रहे हैं। बहुत हार्दिक धन्यवाद चाचा जी। और हमारे ग्राम प्रधान श्री पंत जी, उन्होंने जो है रहवासियों के लिए अपना ये वैन भेज दिया है, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो आने जाने में। तो यह है ग्राम सैना मांदुर। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि इस रोड का डामीकरण करवाने के लिए निवेदन किया जाएगा। और निकल चुके हैं माननीय विधायक जी से मिलने के लिए। इस समय ये पुष्प खिले हुए हैं। इस पुष्प का नाम है सगीना और बताया गया है कि इसका रायता बहुत शानदार बनता है। हमारे माननीय विधायक श्री महेश जीना जी, जल्दी बाजी में आपको लोग तो वहीं रह गए अभी।
नीचे तक का छोटा है। अच्छा, ऑलमोस्ट 80 मीटर का है। और सन मानोर में तो हमारे को वोट ही नहीं पड़ते, मगर उसके कई जो वहाँ क्या होता है कांग्रेस के वो नोट तो सब बदल। तो कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, देखा तो टैंक में फुल पानी आ रहा है, ठीक है, और एक जगह का पानी नहीं आ रहा, दो जगह का आ रहा है। और वो मेरे से शिकायत भी कर रही है कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, मानिला बरकिंडा का हमने एक बूंद नहीं लिया। तो मैंने प्रधान जी से पूछा तो वो खुद ही कहने लगे, नहीं साहब यहाँ क्या समस्या है कि ये खाली टाइम में पानी का नल जो है अपने खेतों में खोल के छोड़ देते, और वो कह रहा है भाई जैसे टैंक में पानी आ रहा है तो हर गांव वालों को मैनेज करना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे पानी मिलेगा, उसको टैंक को भरने नहीं दे रहे, उसको 24 घंटा हमारे सड़मानों का तो रोल क्या है, तो नल क्या हो रहा है उधर भर रहा है, उधर वो देख रहे हैं कि ओवरफ्लो या पानी का ही, जिनके घर में नल है उन्होंने पाइप लगा के अपने खेतों में छोड़ दे रहे हैं। तो कायदे से लोगों को पीने को जिनके घर गांव में पानी आ रहा है वो उस पानी का मिसयूज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें सिंचाई के लिए भी मिल गया, जबकि वो पीने का पानी ना कि तुम्हारा को झील का पानी है, ठीक है। अब लोगों को लग रहा है हम बिल दे रहे हैं तो हम उसको जो मर्जी, जब उनको टैंक भरने के बाद उसका जो गेट वाल बंद हो जाए तो दूसरे को भी आपको वही इसी का जवाब दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पानी सब वो तो जब वो महिला मेरे को बोलने लगी उसी के मुंह से छूट गया कि हम सिंचाई करते हैं हमारे को लोग मना करते हैं। तो मैंने कहा मैंने उसको वही कहा, और लोग तो क्या होता है ना वो जो नेता होते हैं वो ट्रांसफार्मर आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा, आप चिंता ना करो, पोल वगैरह सब मैं करवा दूंगा ना, पर जगह मिलनी चाहिए जहाँ आप बोल रहे हो ना उस समय आपके आप बना रहा हूँ आपके वहाँ रहने के लिए ना, 2-3 कमरे का दीदी मैंने तो पहले भी देखा दीदी कुछ मांगा, चिंता ना देखो ऐसा मेरे को आप मान सकते हो जाने तो डायरेक्ट आके गए आ जाओ, नमस्कार आपके तो खाने की आ जाओ, तो यहां पर आ जाओ, मैं आई थी ना उसको बता दी थी, हां आऊंगा जरूर, तो नहीं अपना ही हुआ है भाई साहब से, तो मैं आया भाई का पर्स आ जाएगा, कोई बात नहीं आपके पड़ोस में आ जाएगा, आपके घर का मकान आ जाएगा, आ जाओ फोन बज रहा है सबका पीछे दीदी छूट भाई और ठीक है, अब आ जाओ ऐसे टाइम आए नहीं आ जाएगी, ये इनसे तो मिली है आपसे तो मिल के गए, तो फिर ऊपर ही आइए आस्था के साथ, हाँ अभी तो बंटी से बात हो रही थी, आज तक की तबियत खराब है, आज ही आई है हॉस्पिटल से, क्या एलर्जी वगैरह हो रही है उसके, हाँ अभी तो मैं कह रहा था आस्था को, मैंने कहा इसको क्या हो गया, अच्छा बंटी तो फिर हमारा वो ही भाइयों की तरह उसका कर दूंगा मैं, चिंता ना करना अभी, लेकिन एक मिनट दे देना क्योंकि मैं चार सीट मैं फुल आऊंगा, और तुम अपना आधार कार्ड भी कॉपी करा चिट्ठी नहीं भी देता तो मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, सब तो हो जाएगा। ये बिटिया का क्या नाम है, क्या नाम है, नाम क्या, मेरे साले की जो बहू उसका नाम थी, चलो चुनाव के बाद पापा आए घर पापा
आप चिंता ना करो, मैं अभी चुनाव के बाद इस बार भाई साहब से भी अपील लगेगी आपके, हम पढ़े लिखे लोगों का लगे उनका भाग्य, तो आधार कार्ड और जमा करा दो ना सबकी एक ही बार में, बहुत ज्यादा तो अच्छे सभी जनों की हिस्सा लगे अच्छे सभी जनों की अपने साल आगे ठीक है, मैं खुदा होगा लेने के लिए सबका वो करके हम ही वहाँ भजन की अच्छा भाई साहब प्रणाम 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 आज आते नहीं चाहिए साथ में वीडियो ये तो आप मैं तो डाल दूंगा आप शेयर कर दो अपने, हम तो डन करते हैं सीएम, मेरे नंबर लिखो उसमें डाल देना, मैं पूरे सर विधानसभा में डाल दूंगा। मीटिंग के बाद आ गए हैं शॉपिंग के लिए और यहाँ से ली जाएगी सब्जी और कुछ फ्रूट्स और कुछ सामान यहाँ से लिया जाएगा, काला नमक और चावल। खास तो मार्केट में सन्नाटा है, तो आज एक पंथ अनेक काज की, हाँ घर का कार्य छोड़ दिया, वो सब जाके जो है अभी मैनेज करना होगा, गांव का कार्य था, गांव के अच्छे के लिए था, तो विधायक जी से मिले, उन्होंने खुल के बात करी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं विधायक जी, देखूंगा सोचूंगा करूंगा तो उनके पास है ही नहीं, हाँ या ना, कईयों को पसंद आता है और कईयों को वो ना उनकी बात नापसंद आती है, लेकिन बाबा सादगी की सेम सोच है, यस और नो, नो धोखा नो सपना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा लगे आपके लिए, अच्छा लगे बाबा सादगी के लिए, और जिसको बुरा लगेगा इसलिए लगेगा कि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।